नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे का परिवार पार्टी में खुश है या नहीं, ये कयास महाराष्ट्र की राजनीति में एक घटनाक्रम में लग रहा है। गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां पंकजा और प्रीतम मुंडे गुरुवार को नेत्र चिकित्सालय के कार्यक्रम में एनसीपी के मुखिया शरद पवार के साथ मन साझा करेंगी। इस कार्यक्रम में दोनों बहनों के अलावा कोई अन्य भाजपा नेता नहीं पहुंच रहा है, ऐसे में उनकी मौजूदगी की खबरों ने कयास तेज कर दिए हैं। लंबे समय से नाराज चल रहे गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि ये आरोप उसके नहीं है जिसने कांग्रेस छोड़ दी है, ये सब भाजपा ने लिखा है। सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा ने यह तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सभी के शब्द समान नहीं होते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे से हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा लगातार सफाई पेश कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मिश्रा रोने लगे और कहा कि उन्होंने सभी कामों को पूरा किया है जो उन्हें दिए गए थे। खास बात यह है कि वकील पर सर्वे मामले की जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर भी आरोप लगाए थे। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन आईपीएल 2022 को छोड़कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। विलियमसन दूसरी बार पिता बनने वाले हैं और इसके लिए वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहने के लिए घर रवाना हुए हैं। शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि पहले ही 6.5 साल से सजा काट रही हैं। जस्टिस एल नागेश्व राव, बी आर गवई और ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 बेटी शीना की जान लेने के आरोप में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। तिब्बत मामले के लिए अमेरिका की विशेष समन्वयक उज्रा जिया बुधवार को उच्च स्तरीय दौरे पर धर्मशाला पहुंची। यात्रा तिब्बती मुद्दे के लिए वाशिंगटन के महत्वपूर्ण समर्थन का प्रतीक है। बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी की इस तरह की यह पहली यात्रा है। उज्रा जिया का तिब्बतियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। असम के इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से प्रभावित लोगों की संख्या पिछले कई दिनों से दोगुनी होकर 4 लाख से अधिक हो गई है, जबकि आपदा के कारण 3 और लोगों की जान चली गई है। एक सरकारी बुलेटिन में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से असम के बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले और पड़ोसी राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से रेल और सड़क संपर्क टूट गया है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भूस्खलन ने कहर बरपाया है और कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरविन की 31 साल से अधिक पुरानी कैद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल से उनके अच्छे आचरण, चिकित्सा स्थिति और शैक्षिक योग्यता को देखते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। जेल में बंद पेरारीवलन की दया याचिका दिसंबर 2015 से लंबित है। कांग्रेस आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की योजना बना रही है। ये लिस्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं। G23 यानी असंतुष्टों के समूह के सदस्यों के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए संभवतः 2 वरिष्ठ नेताओं को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम रेस में सबसे आगे है। वहीं तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष और AICC विभाग के प्रमुख भी दौड़ में है। बीते कुछ महीने में कश्मीर घाटी में स्थानीय नागरिकों और दूसरे राज्य के लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं हुई है। इसके चलते केंद्रीय एजेंसियां सतर्क है और अमरनाथ यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारियां की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 5 लेयर सिक्योरिटी कवर तैयार किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को RFID टैग मुहैया कराए जाएंगे। इसके जरिए यात्रियों की 24 घंटे ट्रैकिंग की जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश की सबसे पुरानी पार्टी की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर का टैलेंट शो शुरू करने जा रही है। इसके जरिए उन कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाएगा जो स्टैंड अप कॉमेडी, कविता, गायन और अन्य कलाओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। ये आयोजन 21 मई से एक निश्चित अवधि के लिए शुरू होने की उम्मीद है। मानसून की दस्तक की खबरों के बीच देश में एक बार फिर से भीषण गर्मी की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 मई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का नया दौर शुरू हो रहा है। वहीं खबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान आगे बढ़ सकता है। इधर तेज बारिश से जूझ रहे केरल को 3 दिन और राहत मिलने के आसार नहीं है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कमेडियन कुणाल कामरा द्वारा छेड़छाड़ कर तैयार एक वीडियो को पोस्ट करने के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने के लिए बुधवार को ट्विटर इंडिया के संचार निदेशक को तलब किया है। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी महीने जर्मनी यात्रा के दौरान उनके लिए देशभक्ति का गीत गाते एक लड़के से जुड़ा है।
दिल्ली की जेल में बंद ठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर अपनी पत्नी के साथ अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर 17 दिन से भूख हड़ताल कर रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उसने 23 अप्रैल से 2 मई तक और 4 मई से 12 मई तक भोजन नहीं किया है और उसे जेल औषधालय में तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उसकी मांग है कि तिहाड़ के जेल संख्या 6 में बंद उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात की व्यवस्था की जाए। जमैका के वाणिज्य मंत्री ओबिन हिल ने बुधवार को कहा है कि उनका देश भारत के साथ निवेश संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत से गेहूं, उर्वरक और कृषि उपकरणों के आयात के लिए भी बातचीत जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका यात्रा के मौके पर जमैका के उद्योग, निवेश और वाणिज्य मंत्री ओबिन हिल ने कहा कि भारत के साथ निवेश संबंध बनाने की चर्चा चल रही है, जिससे दोनों देश को लाभ होगा। सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका की सड़कें भारत से ज्यादा खराब है। ड्राइवर्स एजुकेशन पोर्टल जुतोबी ने ड्राइव करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खतरनाक देशों की सूची प्रकाशित की है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना मौत को दावत देने जैसा है। सूची में तीसरे स्थान पर अमेरिका और पांचवें स्थान पर भारत है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देश के बीच अब तक सुलह नहीं हो पाई है। ऐसे में दुनिया भर के मुल्क रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। इस बीच कनाडा ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत लगभग 1000 रूसी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा ने शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने के लिए महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की है। बीते सप्ताह शुक्रवार को अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया के सैन जुआन शहर में दिग्गज एथलीटों के बीच साउंड रनिंग ट्रैक्स मीट में 5000 मीटर में भारतीय एथलेटिक्स जगत का सबसे पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले साबले तरक्की के ट्रैक पर है। एक सदी गति से लक्ष्य की ओर अग्रसर इस मीट में उन्हें कोई पदक नहीं मिला। 12वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन से भारतीयों को की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इस एथलीट की उपलब्धि का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 5000 मीटर उनकी मूल स्पर्धा नहीं है। चाइनीज वीजा केस में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। मंगलवार को सीबीआई ने चिदम्बरम के देशभर में करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद चिदम्बरम ने ट्वीट किया था कि जांच एजेंसी को इस दौरान कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी लिखा था कि सीबीआई ने इस दौरान जो पेपर दिखाए हैं उसमें उनका नाम बतौर आरोपी शामिल नहीं था। भारतीय नौसेना को 18 मई यानी बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से आईटीआर बालासोर उड़ीसा में सीकिंग 42 बी हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक की। बता दें कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक्स में लॉन्च किया था। देश में मॉनसून कई राज्यों में पहुंच चुका है। कई राज्यों में इस बार भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच उसके मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज सभी राज्यों से राहत आयुक्तों की वार्षिक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य केवल ये था कि आने वाले दिनों में केंद्र मॉनसून के मुद्दों पर कैसे राज्यों की मदद कर सकता है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सूचित किया कि कोरोना वैक्सीन के 17 करोड़ डोज अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार की तरफ से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 193.53 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार का फैसला, जिसमें 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। इसके तहत हस्तेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। इस विस्तार का सीधा अर्थ है जंगलों की कटाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 95,000 पेड़ और विरोध कर रहे लोगों के अनुसार लगभग 2,00,000 पेड़ों की कटाई की तैयारी है। कोई पेड़ से लिपटकर चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों को बचाने में लगा है, तो कोई लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर इसका विरोध कर रहा है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला सामरिक महत्व का मलक्का स्ट्रेट पायरेसी हब यानी कि समुद्री लुटेरों की का गढ़ बनता जा रहा है। इस बात का खुलासा खुद भारतीय नौसेना की मासिक रिपोर्ट में हुआ है। भारतीय नौसेना के इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IOR के मुताबिक पिछले महीने यानी अप्रैल में कुल 20 समुद्री लूटपाट की घटनाएं सामने आई। मलक्का जल डमरू मध्य भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ने का एक अहम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। पूर्वी लद्दाख की विवादित पेंगोंग झील पर चीन की PLA ने दूसरे पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेड्रिस्फा डैमिन सिमोन ने सैटेलाइट इमेज के जरिए इस बात का खुलासा किया। हालांकि चीन ने इस पुल का निर्माण भी पहले ब्रिज की तरह ही अपने अधिकार क्षेत्र वाली झील पर शुरू किया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये भारत से सटी LAC के बेहद करीब में तैयार की गई है।
मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले को थाने कोर्ट को 14 दिन की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। केतकी को थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और आज केतकी की कस्टडी खत्म हो गई, जिसके बाद उसे आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केतकी को 14 दिन की जेल कस्टडी में भेज दिया है। आज क्राइम ब्रांच ने केतकी की कस्टडी की मांग नहीं की, जिसके बाद केतकी को मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के खतरे के मद्देनजर देश की रक्षा के लिए भारत की मंशा जून 2022 तक S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती करने की है। उन्होंने कहा है कि भारत व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा है, जिसमें वायुसेना, थलसेना और नौसेना समेत रणनीतिक परमाणु बल शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पूरा करने के बारे में आशावादी है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चल रही आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय सड़क अवसंरचना निर्माण इकाई NHAI, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट और टोल ऑपरेट ट्रांसफर या TOT मार्गो के माध्यम से मुद्रीकरण राशि जुटाएगी। राजस्थान के लोक कलाकार मामे खान ने इतिहास रच दिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के लोक कलाकार मामे खान फ्रांस में आयोजित हो रहे 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कार्पेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार बने हैं। मामे खान की इस उपलब्धि पर CM अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। मोदी सरकार लोगों का महंगाई से ध्यान हटाने के लिए तिक्रमों का सहारा ले रही है। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य लोगों का ध्यान बटाना है। घरेलू गैस और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा नीत सरकार पर आम लोगों को लूट करने का आरोप लगाया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, निधि कुमारी, कंचन कुमारी, शम्स आगास, विदुर कुमार, ज्योति कुमारी, नुनू कुमार, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।